तो देखिए फाइनली कुंभकर्ण मेघनाथ में, तभी धूप का वो भी पड़ रहा है तो उस वजह से तो लग रहे, देखिए ऐसा लग रहा है हम पहनने तो ही दे सकते आप लोग कुछ है, काम ही है 100 की 4 कह रहे हैं ये, हाँ 100 दे सकते हैं ये गोल वाला झूला। तो देखिए कुछ इस तरीके से झूला भी चल रहा है और ये सब आज लास्ट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़ नज़र आ रही है ये। तो देखिए इस टाइम में बिल्कुल नगर पालिका के सामने आ चुका हूँ, आपको पूरा खाली नज़र आ रहा है, लेकिन जब शाम का व्लॉग आएगा उसमें आप लोगों को। चलो दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपको अपना जिसान अली, और जो आज का व्लॉग है फिर से नैनीताल के वेदर के उसमें, और नैनीताल के मेले का ये आखिरी दिन है, दुर्गा महोत्सव और दशहरा महोत्सव का आखिरी मेला है ये, तो कल सारी दुकानें उड़ जाएंगी। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से कुंभकर्ण रावण और मेघनाथ के पुतले ये देख सकते हैं ये लगे हुए हैं। तो आज है दशहरा, तो शाम को रावण दहन ये देख रहे हैं आप लोग। चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के व्लॉग, मेरे व्लॉग में बने रहेगा, सिर्फ करके मत देखना, ये तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे। चलिए चलते हैं मेले के अंदर, दिखाते हैं कैसी गतिविधि, कितनी भीड़ है, और साथ में दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे रावण की जो तैयारी चल रही, किस तरीके से लगा रहे हैं वो लोग। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फाइनली कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण खड़े हो चुके हैं, और पिछले साल तो काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई थी इनको खड़ा करने में, लेकिन इस साल फाइनली हो चुके हैं। देखिए ये भाई कितना बड़ा लग रहा, रावण कितना बड़ा लग रहा जो बीच में है, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से, और ये है रावण बीच में, तभी धूप का वो भी पड़ रहा है तो उस वजह से, तो यहाँ देख सकते किस तरीके से, देखिए ये, और यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे जो मैंने कल बताया था आपको पार्ट खेला जाएगा, तो उसमें काफ़ी भीड़ आएगी आज, पूरा फुल रहेगा। तो ये मेरा दिन का व्लॉग है, रात का व्लॉग भी आएगा, तो अभी आप देख सकते कुछ इस तरीके से तैयारी चल रही है, और ये सामने देख सकते हो अभी दस्तर, और धूप की उससे ना थोड़ा ब्राइटनेस वैसी हो जा रही, और यहाँ देख सकते हो आप लोग ये भी हैं, और ये देखिए जूते कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे जूते लग रहे हैं रावण के इसके हैं, तो ये देख सकते जूते तो कितने प्यारे जूते लग रहे, देखिए ऐसा लग रहा है हम पहन लें इसको, तो ये देख सकते आप लोग ये है रावण के, तो ये है रावण के देखिए जूते, मतलब कितने मतलब देखने में इतने प्यारे बनाए इन्होंने, लेकिन ये जलेगा तो एक सेकंड में ही पूरा स्वाहा हो जाएगा। तो अभी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और यहाँ देख सकते हैं तो इस तरीके से इसकी तैयारी चल रही है, ये देख सकते हैं ये एक ही है, अब पूरा अंदर से खोखल रहता है ये देखिए। और नैनीताल का वेदर काफ़ी अच्छा है, देखिए धूप है बिल्कुल चटक धूप, और उसके नीचे से लगाया जाएगा, तो इसको लगाया जाएगा घास फूस, तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये गोलगप्पे और इधर पकौड़ी, लेकिन धूप बहुत तेज़ होने के कारण लोग अभी बहुत कम आए हैं, लेकिन शाम होते सोते भीड़ बहुत हो जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं पकौड़ी का स्टोर, तो बस आज ही आज का पकौड़ी है, तो अगर आप लोगों को खानी है तो आज ही आप खा सकते हैं, कल ये सारी हट जाएंगी, ये सारी दुकानें जितनी हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ख़रीदारी चल रही है, और आज आखिरी दिन, तो आखिरी दिन में सभी लोग ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, और झूले भी चल ही रहे हैं, सामने देख सकते हैं कोलंबस, ये देखिए भैया 100 की 4 आज है, काम ही है 100 की 4 कह रहे हैं ये, चार ही बची है बस आज ही। आज कैसा काम हो रहा, काम सही है सब, तो ये देख सकते हैं आप लोग, और ये है कोलंबस, छोटी सी कोलंबस, और यहाँ देख सकते हैं ये गोल वाला झूला,
तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से स्वेटर, बस आज ही आ जाए, कल फिर शाम तक ये सब उड़ जाएगा यहाँ पे कल सुबह। तो ये देख सकते हैं आप भैया ले जाइए, और धूप की तपिश बहुत है, और इस स्टोर में चार आइटम ले रहे हैं, एक लाइटर, एक टॉर्च, तीन फैन साथ में थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो शाम होते होते काफ़ी लोग खरीदारी करते हुए नज़र आएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़, और देखिए सामने झूला चल रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से झूला भी चल रहा है, और ये सब आज लास्ट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ देखिए दुकानदार ऐसे बैठे हैं, कुछ ज़्यादा भीड़ कपड़ों की दुकानों में है। तो यहाँ देख सकते हैं छाता लेके चल रही हैं आंटी, इतनी तेज़ धूप है। और इधर देखिए कुछ इस तरीके से दुकानें लगी हुई हैं, ये तो यहाँ कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो इधर की तरफ चलते हैं, और इधर देखिए भीड़ कम है, हम तो चलते हैं छाव छाव में, धूप बहुत तेज है भाई, हालत ख़राब हो जा रही धूप में। और यहाँ देखिए जैकेटें, यहाँ भी भीड़ कम, इधर भी भीड़ नहीं है, इधर भी भीड़ नहीं है, मतलब कहीं कहीं दुकानों में भीड़ है, बाकी सब खाली पड़ा है। यहाँ देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग, बर्तन बर्तन, बाजी आज का है बस, लेकिन भीड़ कम कम। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ दुकानदार ऐसे बैठे हैं, तो आधे से ज़्यादा तो दुकानदार ऐसे ही बैठे पड़े हैं, और लगता है शाम को होगी भीड़ तो होगी। यहाँ देखिए पूरा खाली शॉप है। तो बिल्कुल एंड कोने में पहुँच गया हूँ मैं, तो इस तरीके से गतिविधि चल रही है। देखिए तो यहाँ देख सकते हैं ये, तो इस तरीके से ये देखिए। हेलो गाइस, कम हो गया प्राइस, कम हियर एवरीबॉडी, वेलकम टू थाईलैंड, कम बैक टू विल बी माय शॉप। तो ये हमारे भाई का डायलॉग काफी फेमस हो रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़ नजर आ रही है ये, और यहाँ देख सकते हैं ये। सौ रुपये हो गया, 100 रुपये। देखिए यहाँ से वेदर कितना प्यारा हो रहा है ये, और यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके की भीड़ भाड़ है। तो आओ पकौड़ी खाओ पकौड़ी वाला हिसाब हो रहा है, और देखिए इधर पूरा खाली पड़ा है ये। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इधर जैकेटों की है, जैकेट पूरी सारी शॉप खाली पड़ी है। थोड़ी बहुत शाम होते होते भीड़ भाड़ नज़र आएगी, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ देख सकते हैं जैकेटें ये। तो देखिए इस टाइम में बिल्कुल नगर पालिका के सामने आ चुका हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको कुंभकर्ण, रावण एंड मेघनाथ दिख रहे हैं। और ये देखिए भाईजान जूते ले जा रहे हैं, और अभी आपको मैंने रावण के जूते दिखाए थे किस तरीके से। और यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तैयारी चल रही है, आज है दशहरा, रावण दहन। तो ये शाम को 7:30 बजे रावण दहन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इतना वेदर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे पाठ खेला जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करा जा रहा है, इस तरीके से तैयारी करी जा रही है, और अभी आपको पूरा खाली नज़र आ रहा है, लेकिन जब शाम का व्लॉग आएगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि पूरी ये सीढ़ियाँ भरी रहती हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लोग कितने तादाद में रहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालाँकि मैं तो नीचे ही रहता हूँ, वहीं से ठीक बनता है। तो अभी आप देख रहे हैं किस इस तरीके से आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये देखिए
किस तरीके से तैयारी चल रही है, ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है यहाँ पे। और लगभग 4 से 4.5 घंटे ही बचे हैं, उसके बाद यहाँ पे भीड़ शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ख़तरनाक भीड़। और झूले भी चल रहे, मेले का भी आज लास्ट दिन है, आखिरी दिन है। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, इस टाइम पहुँच चुके हैं नैनीताल के सामने, नैनीताल के लेक के पास। और कुछ इस तरीके से आज पर्यटक नज़र आ रहे हैं। तो आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि आज है दशहरे की छुट्टी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से भीड़ है। तो बोट भी काफ़ी चल रही है, देखिए सामने वेदर काफ़ी अच्छा, नैनीताल का धूप आ रही है काफ़ी अच्छी। तो इस तरीके से लोग नौकायन कर रहे हैं और बोटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग भी। तो फाइनली आज ब्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।